स्वागत है आपका एज इंडस्ट्री में। आज अपन बात करेंगे सिडनी सिक्सर वुमेन वर्सेज ब्रिस्बेन हेट वुमेन के बीच होने वाले वुमेन बिग बैश के मुकाबले की। तो इस मैच के लिए कौन होगा हमारे मेगा गनेली के लिए ट्रंप प्लेयर, जिससे कि अपन लाखों रुपए विन कर सकते हैं। साथ में देखेंगे पिच रिपोर्ट और वेन्यू पे मैचों के बारे में जानेंगे किस प्रकार का स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पे रहता है। साथ में मैं आपको देने वाला हूँ मेगा जीएल के बेहतरीन ट्रंप प्लेयर। लास्ट मैच में मैंने आपको बोला था कि जे एडम्स, ए मोसांगा वे और सी वेब और पी डुल्ली पांच प्लेयर बताए थे मैंने, जिसमें चार प्लेयर डायरेक्ट ड्रम प्लेयर बने थे और ड्रीम टीम के मेंबर बने थे। अपन ने एक तरफा शानदार इस मैच में विन किया था। तो इस मैच के लिए भी मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से प्लेयर ट्राई करने के, लोअर परसेंट वाले किसकी जगह करने, सीवीसी कौन रहेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली करने वाला हूँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा शेयर करें। चलते हैं पिच की तरफ। मैच खेला जाएगा नॉर्थ सिडनी ओवल, जो कि बहुत अच्छा वेन्यू है बैटर्स के लिए। ठीक है, यहाँ देखो सिडनी थंडर का मैच हुआ था, 190 बना दिए थे 5 विकेट के नुकसान पे, और चेंज करने आई थी सिडनी सिक्सर की टीम, स्कोर को चेंज नहीं कर पाती है, 148 रन पे 9 विकेट। 7 विकेट मिलते हैं पेसर को और स्पिनर को भी मिलते हैं 7 विकेट, दोनों को बराबर विकेट यहाँ पे मिले थे। तो बहुत ही शानदार ये मैच रहा था। मेलबर्न स्टार्स वुमेन 165 बनाती है 8 विकेट के नुकसान पे, सिडनी सिक्सर स्कोर को चेंज नहीं कर पाती, 2 रन से आधा। सिडनी सिक्सर ने अपने दोनों मैच लॉस किए, दोनों इसी वेन्यू पे खेले। 11 विकेट मिलते हैं पेसर को, 4 विकेट मिलते हैं स्पिनर को। इससे पहले 212 ऑस्ट्रेलिया वुमेन बनाता है, वेस्ट इंडीज वुमेन चेंज कर जाता है, 5 विकेट पेसर 4 विकेट स्पिनर। इससे पहले 190 बन रहा है 9 विकेट के नुकसान पे, वेस्ट इंडीज वुमेन 143 पे ऑल आउट हो जाता है, 9 विकेट पेसर को 7 विकेट स्पिनर को। तो काफी अच्छे स्कोर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा बैटिंग सरफेस ये रहने वाला है। साथ में जो विकेट मिलने वाले हैं वो पेसर स्पिनर दोनों को लगभग इक्वल सा ही है। ठीक है, पेसर को थोड़ा कुछ मैच में ज्यादा एडवांटेज है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छे रन बनने वाले दोनों ही टीमों की तरफ से। तो बैटर्स और ऑलराउंडर्स जो स्पिनर है वो काफी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। अब अपन चलते हैं देख लेते हैं सिडनी सिक्सर की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाले। सूजी वेस्ट के साथ ओपनिंग रहेगी हेली, उसके बाद पेरी, गार्डनर, ई बर्न्स, चार्ली ट्रॉन, जे केर, एम ब्राउन, जे एलन, एल चेटाली और केप पीटरसन आपको खेलते हुए नजर आएगी। इसके अलावा टीम के पहली को ट्राई कर सकते, लास्ट में के पहली खेली थी लेकिन इस मैच में हेली फिट हो जाएगी तो हेली खेलेगी। रिसेंट फॉर्म देखो आप इसका, 30, 16, 18, 36, 4, 1, 14, 9, 14, 9, 45, 6, 5, काफी टच में नजर नहीं आ रहे, काफी दिन हो गए इसको बड़ी इनिंग खेले हुए। बाकी सूजी बैट्स पहले बहुत ही अच्छा खेलती थी लेकिन पिछले कुछ मैचों में इसका फॉर्म वैसा नहीं रहा। हेली को देखो आप, 16, 8, 13, 7, 24 की अच्छी पारी है, 23, 12, 1, 56 की अच्छी पारी, इसके अलावा 38 रन, 32 रन अच्छा खेल रही है। जैसे इसके साथ एडवांटेज ये है कि विकेट कीपिंग भी करती है तो वहां से भी अपन को पॉइंट आने के चांस है। ठीक है, पेरी को देखो आप, 51 रन 1 विकेट 34, 41 रन 1 विकेट 91, 53, 91, 8 बैटिंग नहीं आई, 70, 40, 20 नॉट आउट, 29 नॉट आउट, 31 बैटिंग से शानदार फॉर्म में, बॉलिंग रिसेंट में इसने किया नहीं इतना। ठीक है, गार्डनर 65 1 विकेट 3 विकेट 54 रन 1 विकेट 15 रन 3 विकेट 13 रन 1 विकेट 2+0 2 रन+3 विकेट 2 विकेट, यहाँ बैट बॉल दोनों ही नहीं आया था, 72 रन 2 विकेट 12 रन+1 विकेट। शानदार ये ऑलराउंडर काफी इंपोर्टेंट रहने वाले सीवीजी की सबसे सेफ चॉइस। ई ब्रंस 51 प्लस 1 विकेट 34, 41 प्लस 1 विकेट 91, 53, 91, 8 बैटिंग नहीं आई, बॉलिंग नहीं की थी, 29 रन नॉट आउट प्लस 0, शानदार बैटिंग करके आ रही है, सिलेक्शन काफी डाउन है, प्लेयर इंपोर्टेंट रहने वाले। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार प्लेयर को ट्राई करना आपको। चार्ली ट्रॉन 0 0 विकेट निकाल रही 2 विकेट 71 प्लस 0 0 25 प्लस 1 4 विकेट 22 प्लस 0 9 प्लस 0 8 रन 1 विकेट, लास्ट मैच में 17 रन बनाए थे, विकेट इसको नहीं मिला था। जैक है 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 0 2 विकेट 0 2 विकेट 2 विकेट, अच्छे विकेट निकाल रहे लगातार। एम ब्राउन 7 नॉट आउट 1 विकेट 0 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, 35 रन प्लस 1 विकेट 23 प्लस 0, अच्छा खेल रही है लगातार, इसको विकेट भी कुछ मैचों से मिल रहा है। ठीक है, जेड एलन 1 विकेट 1 विकेट 0 1 विकेट 0 0, एल चेटाली 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 2 विकेट 5 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, एक मैच छोड़ दो, इसके अलावा लगभग हर मैच में इसने विकेट निकाले, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली। के पीटरसन 0 1 विकेट 0 1 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, लास्ट दो मैचों से 0 मिल रहा है, इस मैच में विकेट मिलने के चांस है इसको। ठीक है, इसके अलावा के पहली खेलती है तो विकेट कीपर बैटर टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, 5, 30 नॉट आउट 27, 17, 51, 4 और 3। अब अपन देख लेते हैं ब्रिस्बेन हेट वुमेन की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाले। जी रेड मायने के साथ ओपनिंग करेंगे ग्रेस हैरिस, उसके बाद जी वॉल, एम डू प्रिंस, बी हाथ, जेस जॉनसन, चार्ली क्लॉट,
एफ हिंकली, एच हैनकॉक लास्ट मैच में इंजर्ड हो गई जिसकी जगह दूसरी प्लेयर खेल सकती है, लगभग चांस है। सी शिपली और सारा ग्लेन आपको खेलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा इस प्लेयर को जी पेरेसन यहाँ पे रिप्लेस कर सकती है। अमीला खेर अगर फिट होती है तो अमीला खेर डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आएगी, ठीक है। जी रेडमाइन ने 28 नोट आउट, 14, 7, 4, 61, 61, 37, 49 और 15। अच्छा खेल रही है, विकेट कीपिंग से भी एडवांटेज देती है, ठीक है। हैरिस 1, 5, 10, 87, 63, 29, 49 नोट आउट, सॉरी 49 प्लस 0, 136 नोट आउट प्लस 1। लास्ट मैच में शानदार हेडरेट मारा था इसने, बहुत ही खतरनाक ये खेली थी। इंपोर्टेंट प्लेयर है, अब बहुत अच्छी फॉर्म से ये चल रही है। जी वॉल 61 प्लस 0, 1 विकेट, 23 प्लस 1 विकेट, 65 प्लस 0, 14, 8, 7, 10। बीच में बॉलिंग नहीं करवा रही थी टीम, लास्ट मैच में बॉलिंग करवाई, 1 विकेट भी इसको मिला। रन भी ये ठीक ठाक कर रही है, पोजिशन भी इसकी वन डाउन है, तो काफी इंपोर्टेंट ये प्लेयर रहने वाली है। एम डुप्रीज 27, 8 नॉट आउट, 8, 7, 8, 36 नॉट आउट कर रही है, 0, 1 और 39, अच्छी प्लेयर है। बी हाथ को देखो आप, 18, 0, 13, 21, 37, 19 और 16। जेस जोनासन 4 नॉट आउट, 2 विकेट, 13 रन, 1 विकेट, 39, 1 विकेट, 0, 1 विकेट, 13 रन, 1 विकेट, 1 रन प्लस 2 विकेट, शानदार ये खेल रहे हैं। जेस जोनासन काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है, ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती है, ठीक है। चार्ली क्रॉट को देखो, 13 रन, 1 विकेट, 47 प्लस 1 विकेट, 13, 22 प्लस 0, 45 प्लस 2 विकेट, 23 प्लस 3 विकेट, 4 प्लस 0, अच्छी खेल रही है लगातार, बैट बॉल दोनों से इंपोर्टेंट रहने वाले। एम हिंकली 18, सॉरी 26, 18, 35, 48, 14 नॉट आउट, 17 और 2। एन हैनकॉक 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0, 2 विकेट, 2 विकेट, 0, 0। लास्ट मैच में 1 पॉइंट 1 ओवर ही किया था इसने, उसके बाद ग्राउंड से बाहर चली गई थी। इस मैच में खेलेगी तो देख लेना, शायद इसकी जगह प्लेयर चेंज होगा। सी शिपली 0, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, 0, 4 विकेट। इस मैच में शानदार इंपोर्टेंट पिक रही थी अपने लिए, मैंने बोला था इसका रिकॉर्ड अच्छा है, एक मैच खाली जाने के वजह से सिलेक्शन डाउन, प्लेयर शानदार है, वो लास्ट मैच शानदार अपने लिए पिक रही थी। सारा ग्लेन 2 विकेट, 0, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट और लास्ट मैच में 0 विकेट। इसके अलावा इनमें से कोई खेलता है तो जिम पेरेसन खेल सकती है, अमीला खेर फिट है तो वो भी खेलेगी। 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 0, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, अच्छी प्लेयर है, लगातार विकेट निकाल के आ रही थी, इंपोर्टेंट है। अमीला खेर को आप सब जानते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, शानदार ऑलराउंडर है। अब देख लेते हैं इस मैच के लिए जो ट्रंप प्लेयर रहने वाला, काफी इंपोर्टेंट आपके लिए, मैं बताऊंगा इन प्लेयर को किस प्रकार से ट्राई करें, कितने प्लेयर लेकर चल रहे, किस प्लेयर की जगह आप रिस्क ट्राई कर सकते हो और किस प्रकार से आप जीएल विन कर सकते हो, ठीक है। इबरंस और सुजीवेट्स सिडनी सिक्सर की तरफ से और ब्रिस्बेन हेट की तरफ से जी वॉल, एम डुप्रीज और जी प्रेसन शायद खेलेगी इस मैच में, तो इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर एनकॉक खेलती है तो आप उसको भी ट्राई करना, मैंने इसको पहले यहाँ पे रख लिया, मेरे ख्याल से इसको मौका मिल सकता है, ठीक है। अब इन प्लेयर को किस प्रकार ट्राई करना है, अगर सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैट फर्स्ट करती है उस कंडीशन में आप इन दोनों प्लेयर्स के साथ भी जा सकते हो, और एक प्लेयर तो इनमें से आना है ही, ठीक है। ये बॉलिंग भी करती है, अच्छी बॉलिंग करती है और बैटिंग भी ठीक करती है। सुजी बैट्स कई टाइम से फॉर्म में नहीं है लेकिन अच्छी प्लेयर है, कमबैक कर सकती है, ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। ब्रिस्बेन हेट की तरफ से जी वॉल बॉलिंग बैटिंग दोनों करती है, शानदार है। इसके अलावा एम डू प्रिंस को भी आप ट्राई कर सकते हो, शानदार बैटर है, ठीक है। अगर टॉप ऑर्डर के अगर विकेट गिरते हैं, ग्रेस हैरिस और जी रेड मायने अगर सस्ते में आउट होते हैं उनमें से एक प्लेयर भी, तो एम डू प्रिंस की बैटिंग आने का अच्छे चांस है और बहुत ही अच्छा सरफेस है बैटिंग के लिए, तो इन दोनों प्लेयर में से आपको ड्रीम टीम का मेंबर मिल जाएगा। आपको इनमें से 2 या 3 प्लेयर जीएल में ट्राई करने हैं हर टीम पे, ठीक है। इनमें से आपको आसानी से 2-3 प्लेयर आसानी से मिल जाएंगे जो आपको मेगा जीएल आसानी से विन करवा सकता है। किस प्लेयर की जगह रिस्क लेना है, सीवीसी किसे करना है ये और देख लो। या देखो मैंने जी रेड मायने को लिया है या मैंने हेली को लिया है, ठीक है। एक ही कीपर लिया है, आप चाहो तो दोनों कीपर के साथ जा सकते हो। यहाँ पेरी ग्रेस हैरिस सुजी बैट्स को मैं रख रहा हूँ, यहाँ ग्रेस हैरिस चार्ली ट्रॉन को मैंने रखा है, ठीक है। या मैंने पेरी और सुजी बैट्स पे रिस्क लिया है, ठीक है। सुजी बैट्स वैसे आउट ऑफ फॉर्म है, पेरी पे मैंने यहाँ पे रिस्क लिया। आप सेफ जाना चाहो तो पेरी के साथ जा सकते हो क्योंकि पेरी भी बॉलिंग आजकल नहीं कर रही है, ठीक है। या देखो आप जेस जॉनसन, एक गार्डनर, चार्ली क्रॉट, इब्रंस, अच्छे ऑलराउंडर है, सभी बैट बॉल दोनों से वैल्यू लाते हैं तो मैंने सभी को रखा है। यहाँ भी मैंने रिपीट रख रहा हूँ, यहाँ भी चार्ली क्रॉट, इब्रंस और जी वॉल, सभी प्लेयर्स को मैं रख के चल रहा हूँ। यहाँ मैंने जी वॉल को एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है। सारा ग्लेन एलचर्ली सी सीप्ले, सारा ग्लेन एलचर्ली सी, यहाँ से मैंने सेम रखा है टीम, मैंने चेंज किया है जी वॉल को ट्राई किया है यहाँ पे, ठीक है। इब्रंस को मैंने यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे मैंने सुजी बैट्स को ट्राई किया है और इब्रंस को ट्राई किया। आप एक अलग टीम में आप करना कि आपको एम डू प्रिंस को भी ट्राई करना है, अच्छी बेटर है,
उस कंडीशन में आप क्रेस हैरिस को ड्रॉप करके जी रेडमैना को रखना, क्योंकि वो टिककर खेलती है, ठीक है, बहुत हाई रिस्क होगा ये, सोच समझ के लेना कि जी हैरिस आजकल बॉलिंग भी करे, जी हैरिस की तो आप फिक्स ही कर लेना, ठीक है। चार्ली ट्रॉन की जगह आप उस एम डू प्रिंस को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा पेरी अच्छा ऑप्शन है, इनमें से एक प्लेयर की जगह आप सेफ जाना चाहते हो तो। सीवीसी का सबसे अच्छा कंटेंडर कल के लिए मेरे को गार्डनर लग रहा है, ठीक है, बहुत ही शानदार ये ऑलराउंडर है। इसके अलावा जस्ट जोन सेना को ट्राई कर सकते हो आप, बैटिंग से भी ग्रेस हैरिस को ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। वीसी इन्हीं में से आप रिपीट करके ऑलराउंडर वाले सेशन से वीसी के साथ जा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।